तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमीश वर्मा के बारे में, जो कि पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। परमीश वर्मा आज एक बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर, सिंगर और एक्टर भी हैं। जी हाँ, परमीश वर्मा ने पंजाबी इंडस्ट्री को बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं, जैसे कि गाल निकटनी, छड़ा चालोए और चार यार सॉन्ग्स। जी हाँ, परमीश वर्मा का शुरुआती जीवन बहुत ही स्ट्रगल पूर्व था इंडस्ट्री से आने से पहले। परमीश वर्मा ने अपना डेब्यू पंजाब बोल द मूवी से किया था, जिसमें उन्हें लीड रोल नहीं मिला था। परमीश वर्मा ने अपनी इंडस्ट्री में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया और उनका पहला हिट सॉन्ग आदत निंजा के साथ आया था और उनका पहला खुद का सॉन्ग आला चक मैं आ गया भी बहुत हिट हुआ था। परमीश वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जी हाँ, परमीश वर्मा एक बार अटेंडेंट थे, उसके बाद उन्हें उसी बार में प्रबंधक के रूप में काम मिला। उनका फिटनेस की तरफ भी बहुत इंटरेस्ट था, वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फिट दिखना चाहते थे, इसलिए वह फर्स्ट जिम में ऑस्ट्रेलिया में जाया करते थे। अगर परमीश वर्मा के हम शुरुआती जीवन की बात करें तो परमीश वर्मा का जन्म पटियाला शहर में 3 जुलाई 1986 को हुआ था। परमीश वर्मा के फादर का नाम डॉक्टर सतीश वर्मा है, जो कि पंजाबी इंडस्ट्री में एक राइटर और एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोड्यूसर भी हैं। परमीश वर्मा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यादवेंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला से की है। परमीश वर्मा पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। जी हाँ, परमीश वर्मा ने सिडनी में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। परमीश वर्मा का सपना था कि वो एक एक्टर बने और ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए, उन्हें लगा कि उनका सपना पूरी तरह टूट गया है, तो उन्होंने एक पोयम लिखी जो कि पंजाबी में थी। वो कुछ ऐसी थी कि सपने दी हो मौत गई है, ला वारिस इक लाश पई है, कल तक अंबरी उड़दी सी जो हरे नीले रंग दी सी, चुप चुपीते उस आस पई है, ला वारिस इक लाश पई है, आया सी जो चावां दे नाल उलझ गया, ओ रावां दे नाल चुक्या सारा पार सी, बाहां दे नाल चंगे सी रहंदे हुंदे जे मावां दे नाल, खाली चमचा प्लेट गलास पई है, ला वारिस इक लाश पई है। जी हाँ, परमीश वर्मा ने ये पोयम ऑस्ट्रेलिया में लिखी थी। बाद परमीश वर्मा ने अपने फादर डॉक्टर सतीश वर्मा से बात की और इंडिया वापस पंजाब आ गए। परमीश वर्मा के फादर डॉक्टर सतीश वर्मा पंजाबी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और वो बच्चों को एक्टिंग करना सिखाते थे और जो प्लेज होते थे वो अक्सर परमीश वर्मा के घर पर ही होते थे, तो बचपन से उन्होंने एक्टिंग को देखा और समझा है। इंडिया आने के बाद परमीश वर्मा मुंबई चले आए, उन्हें लगता था कि वो मुंबई सक्सेसफुल हो पाएंगे, लेकिन मुंबई जैसे शहर में नए टैलेंट की कोई कदर नहीं होती है, मुंबई में स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर सतीश वर्मा के कहने पर परमीश वर्मा गुरदास मान के बेटे गुरकीरत मान से मिले, उन्होंने परमीश वर्मा को डायरेक्टर बनने के लिए कहा। उसके बाद परमीश वर्मा ने मुंबई में ही रहते हुए अपनी पहली एल्बम विनयपाल बुट्टर के साथ माफ़ीनामा 2 की, जिसमें उन्होंने डायरेक्टिंग की, पर वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद परमीश वर्मा
मुंबई से पंजाब वापस आ गए और पंजाब आते ही उन्होंने अपने काम पर और जोर दिया और उसके बाद निंजा के साथ अपना पहली डायरेक्टिंग आदत सॉन्ग में की, जो कि बहुत हिट हुई। उसके बाद निंजा के साथ ही ठोकदा रहा गाना जुगाड़ी जट, जट दा ब्लड और गल्ला मिठियां की। उसके बाद परमीश वर्मा का सिक्का पूरे पंजाब में चल गया और वो एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर बन गए। जी हाँ, शहरी मान के साथ भी परमीश वर्मा के बहुत सॉन्ग आए, जैसे कि हॉस्टल और क्यूट मुंडा। यहाँ तक ही नहीं, परमीश वर्मा ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया और कई हिट मूवीज़ दी, जैसे कि रॉकी मेंटल, सिंगम, दिल दियां गल्लां और जिंदे मेरिए। परमीश वर्मा ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। वो लड़का जो किसी समय एक होटल में काम करता था, आज वो सुपर स्टार है। परमीश वर्मा को शुरुआत से ही किताबों का इतना शौक नहीं था और वो होटल मैनेजमेंट भी नहीं करना चाहते थे। परमीश वर्मा का ड्रीम है कि वो बोहेमिया के साथ भी काम करें। आने वाले समय में आपको उनके साथ भी वो दिखेंगे। परमीश वर्मा अपना सक्सेस का क्रेडिट अपने फादर डॉक्टर सतीश वर्मा को देते हैं और परमीश वर्मा की मेहनत आज सफल हुई है। तो दोस्तों, ये थी परमीश वर्मा की कहानी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, आपको भी मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।